हे एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, अगर आपने जूनियरशिप स्टार्ट करी है, इंटर्नशिप स्टार्ट करी है, या तो फिर आप जो है जुडिशरी के एग्जाम्स दे रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आपको अगर आपके सिलेबस के अलावा जीके के क्वेश्चंस के लिए या तो अपडेट रहने के लिए, अगर जूनियर जो हमारे लॉयर्स होते हैं उनको रिसर्च वर्क के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपको जो लेटेस्ट जजमेंट्स होते हैं उनके बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए। तो आज मैं आपके लिए एक जो लेटेस्ट जजमेंट है उसको यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। यह जजमेंट बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पे मैंने एकदम शॉर्ट में इसको बताने की पूरी कोशिश करी है। आशा करती हूँ आप सभी को वह चीज़ समझ में आएगी, और लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को थोड़ा सा अंत तक देखना ही पड़ेगा, ज़्यादा देखना ही पड़ेगा, इसलिए आप बने रहिए मेरे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं बात कर रही हूँ सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में आए जजमेंट की, सेम सेक्स कपल की शादी के ऊपर जो जजमेंट आया है वह है। साथ ही जो ये कपल होते हैं, क्या ये बच्चे गोद ले सकते हैं, इस तरह से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो रहे थे। तो अभी जो है जो हमारी संवैधानिक पीठ है उन्होंने 4 जजमेंट्स पास किए हैं। उनमें से जो 3 मेन पॉइंट है वह यह है कि पहला यह है कि जो सेम सेक्स कपल है उनकी शादी को अभी कानूनी मान्यता जो है उसको देने का अधिकार जो है संसद को है, न कि सुप्रीम कोर्ट या अदर कोर्ट्स को है। दूसरा है कि जो ये कपल होते हैं, जो सेम सेक्स कपल होते हैं, क्या यह बच्चा गोद ले सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे मनाही हुई है। इसके पीछे का बहुत सारे रीज़न है और काफ़ी सारे डिटेल में इस चीज़ को बताया गया है। आई होप कि मैं बहुत जल्दी उस पर भी वीडियो लेकर आऊँगी। और जो तीसरा है, इनके अधिकारों की बात की गई है। इनके अधिकारों के लिए एक जो कैबिनेट सचिव का अध्यक्षता में एक जो पैनल तैयार किया जाएगा, उसके लिए काफ़ी सारे डायरेक्शंस जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। उनमें मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगी वो कौन से डायरेक्शंस हैं, कौन से वो निर्देश हैं जो कि ऐसी कम्युनिटी को जो LGBTQ कम्युनिटी में आ रही है उनके लिए ये निर्देश दिए गए हैं। तो मेनली जो वीडियो रहेगा वह इसी के ऊपर रहेगा। सेम सेक्स कपल क्या जो शादी है उसको कानूनी मान्यता देने के लिए काफ़ी सारे PIL, काफ़ी सारे याचिकाएं लगी थी। काफ़ी इस पर जो ये चर्चा का विषय रहा है कि क्या इनके अधिकारों को मान्यता दी जाएगी, क्या इनके अधिकारों को कानूनी मान्यता दी जाएगी, जो इनकी शादी होती है क्या वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत आ पाएगी, क्या वह रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे, या तो जो है बच्चा लेने का जो प्रोसेस होता है क्या वह हो सकता है। तो बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं। इन्हीं के बीच में एक जो चीज़ आई है वह यह है कि जो ट्रांसजेंडर कपल होते हैं उनको शादी की मान्यता दी गई है, वह शादी कर सकते हैं, उनकी शादी को किसी भी प्रकार से रोक नहीं लगाई जा सकती है। यहाँ पे मैं बहुत शॉर्ट में यह चीज़ और डिस्क्राइब कर रही हूँ कि क्या ऐसे मेन पॉइंट हैं जिन पे चर्चा हुई है। बाकी तो 366 पेज का यह पूरा जजमेंट है, और अलग अलग जो हम संवैधानिक पीठ और जो यह है हमारे सुप्रीम कोर्ट की, जहाँ पे कि अलग अलग चीफ जस्टिस हैं और उनके साथ में ऑनरेबल जस्टिस हैं काफ़ी, उन्होंने मिलके जो है यह एक जजमेंट निकाला है। सभी की अपनी अपनी राय है, और लेकिन मेजोरिटी के हिसाब से कानूनी मान्यता देने का अधिकार संसद को दिया गया है। बात कर लेते हैं कि इनके अधिकारों की, जो सेम सेक्स कपल होते हैं इनके अधिकारों की, तो यहाँ पर जो इनकी शादी का होता है उसके ऊपर जो हमारे चीफ जस्टिस है उन्होंने यह सेक्स को परिभाषित किया है कि जो शब्द सेक्स है वह आर्टिकल 15 के तहत उल्लंघन ना हो उनके लिए, सेम सेक्स कपल के लिए। क्यों? क्योंकि जो यौन के प्रति जो रुझान होते हैं उनके, उनको हम नहीं रोकते हैं, उनको आर्टिकल 15 के तहत वह सुरक्षा मिली हुई है। लेकिन सेक्स जो शब्द है वह न सिर्फ सामाजिक रूप के संदर्भ में लिया जाएगा बल्कि ऐतिहासिक संदर्भ के रूप में भी लिया जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने इस शब्द को परिभाषित भी किया है, साथ ही उनके अधिकारों में उनके यौन संबंधों के प्रति जो रुझान होते हैं उनमें आर्टिकल 15 का जो उल्लंघन है वह भी नहीं हो, इसका भी ध्यान रखा है। लेकिन जो शादी जैसा एक जो प्रावधान है वह जो है संसद के पास में ही रहेगा।
अच्छा, जैसा कि मैंने आप बताया है कि कुल 366 पेज का एक लंबा सा जजमेंट आया है, इस पे कुछ एक पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किए हैं, वह मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहला यही है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि जो यह कानून का जो काम होता है वह जजमेंट देना होता है, चीज़ों को इंटरप्रिटेट करना होता है कानूनी रूप से, लेकिन एक्ट बनाने का काम जो होता है वह संसद का होता है। फिलहाल जो मुद्दा है उस पर एक्ट बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, काम जो है संसद का है और संसद को उसी प्रकार से ही अपना काम करना है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट किसी भी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करेगी। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तो वह अधिकारों का पहचान का, कि इनका जो एक खुद की क्या पहचान रहेगी, खुद के क्या अधिकार रहेंगे, इसके लिए जो है कैबिनेट सचिव अध्यक्षता में एक पैनल तैयार किया जाएगा, जो कि कुछ एक पॉइंट्स है उन पे काम किया जाएगा। वो पॉइंट्स है कि इनका जो है एक जॉइंट बैंक अकाउंट होना चाहिए, दूसरा है कि जो बीमा पॉलिसीज होती है, पेंशन होते हैं और पीएफ होते हैं, इनमें इनकी पार्टनरशिप होनी चाहिए, यह है पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए, इस पे विचार होना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी होती है कि जो आर्टिकल 245 है, आर्टिकल 246 है, उसके अंतर्गत इन पे किस तरह से काम हो, यह भी ध्यान देने योग्य चीज़ है। यह दोनों आर्टिकल क्या है यह मैं बताती हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 245 और 246 के अंतर्गत जो संसद होती है वह जो शादी का जो विवाह संस्थाएं होती है उनमें क्या अमेंडमेंट करना है, क्या ऐड करना है, इस तरह के जो बदलाव होते हैं, चेंजेस होते हैं, इन आर्टिकल्स के थ्रू वह ला सकती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो होती है वह मौलिक अधिकारों से मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, मौलिक अधिकारों पर जजमेंट देती है। यहाँ पर जो विषय है वह है शादी, और शादी एक जो है मौलिक अधिकार नहीं है। यह एक जीके का बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, अगर आपके जीके में क्वेश्चन आता है कि क्या शादी एक मौलिक अधिकार है, तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया है कि जो शादी है वह मौलिक अधिकार नहीं है, और इसीलिए संसद को यह अधिकार है कि वह इस पर जो है एक्ट बनाए या तो किसी भी तरह से राय मशवरा लेके इस पर काम करे। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया है कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसके सेक्शन 4 है, उसका जो उद्देश्य है वह अगर सेक्शन 4 को असंवैधानिक माना जाता है तो वहाँ पर ये बताया गया है कि जो प्रगतिशील कानून का एक उद्देश्य खत्म हो जाएगा। यह जो लाइन है सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखी है। यहाँ पे ऑनरेबल जस्टिस भट्ट के द्वारा भी जो है 13 पेज का एक जजमेंट पास किया गया है। उस जजमेंट में क्या है, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उन पॉइंट्स को मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उन्होंने बताया है कि जो यह विवाह है यह अयोग्य है, यह कानूनी रूप से मान्यता इसको नहीं दी जा सकती, क्योंकि अभी इसमें संसद के द्वारा काफ़ी सारी चीज़ें जो है इसमें ऐड करनी है, इसमें बदलाव करने हैं, इसको एक्ट को बनाना है नहीं बनाना है, उसके बाद ही जो है इस पर संक्षिप्त रूप से जो है टिप्पणी की जाएगी, जजमेंट दिया जाएगा। फिलहाल कानूनी मान्यता देने के लिए कानूनी रूप से यह जो है इतना ही ये कर पाए हैं। इसमें पॉइंट्स यह है कि जो सेम सेक्स कपल होते हैं, जो LGBTQ जो कम्युनिटी होती है उनके जो कपल होते हैं, अगर उनको शादी की मान्यता, कानूनी मान्यता नहीं मिलती है, तो वहाँ पर भी यह जो कपल होते हैं उनको उनकी निजता का अधिकार दिया गया है। साथ ही उनको सम्मान की भावना से देखा जाना जरूरी है, वह अपने साथी का चुनाव कर सकते हैं। और एक पॉइंट जो है कि इनको हर एक तरीके से प्रोटेक्शन दिया जाएगा, इनकी फैमिली को प्रोटेक्शन दिया जाएगा। ये जो कपल है यह बाहर घूमते हैं, तो इनको हर एक जो चीज़ जो इनके इश्यूज होते हैं वहाँ पे उनको जो है प्रोटेक्शन दिया जाएगा। अब बात करते हैं लास्ट, इसमें मैंने बहुत कम ही कवर कर पाई हूँ, कोशिश करिए कि जो मेन पॉइंट है वह मैं कवर करूँ। यहाँ पे लास्टली जो है ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिए हैं, डायरेक्शंस जो दिए हैं वह जानना बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं आपके साथ अभी जो है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस शेयर करती हूँ। इस कम्युनिटी के हक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को ये डायरेक्शन दिए हैं कि इनकी जी इनका जो इनके साथ भेदभाव ना हो, इनके साथ किसी भी प्रकार की ये भेदभाव वाली स्थिति ना बने, यह सुनिश्चित करना स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का ही काम रहेगा। यह जो डायरेक्शन है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है,
दूसरा जो डायरेक्शन है वह है कि इन यह जो कपल है इनको किसी भी प्रकार की प्रताड़ना ना हो। इसके लिए जरूरी है कि इस जो यह जो कपल होते हैं, यह जो सेम सेक्स जो कपल होते हैं, इनके बारे में सामाजिक जागरूकता फैलाई जाए। सामाजिक जागरूकता बहुत जरूरी है इस चीज को जानने के लिए, तो किसी भी प्रकार की प्रताड़ना का जो ये शिकार बनते हैं वह इनके साथ ना हो, यह भी सुनिश्चित करें। तीसरा जो पॉइंट है वह है, थर्ड जो पॉइंट है जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए वहाँ यह है कि यह कपल अगर FIR या कंप्लेन अगर करवाते हैं पुलिस में, थाने में, किसी भी चीज़ के खिलाफ या किसी भी इंडिविजुअल के खिलाफ, तो वहाँ पर इनकी FIR को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही यह भी डायरेक्शन दिया है कि पूरी वेरिफिकेशन के बाद इन यह जो कपल है इनका पूरा सत्यापन होना चाहिए, इनका पूरा वेरिफिकेशन होने के बाद जो है इनको पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाएगा। साथ ही सरकार को स्पेशली निर्देश है कि इनके जो राशन कार्ड होते हैं, बैंक अकाउंट्स होते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी सारी चीज़ें होती है जहाँ पर कि एक कपल को जो है ऐड किया जाता है, वहाँ पे इन कपल को भी वह जो सरकार की जो स्कीम होती है, योजनाएं होती हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं या जो भी फॉर्म होते हैं, हर एक जगह पे इनको सहूलियत मिले। सरकार को यह कदम जल्द से जल्द उठाने चाहिए ताकि इनका जो हक है वह इनको मिले। हम देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कुछ 34 ऐसी कंट्रीज है जहां पर कि ऐसे कपल को, जो सेम सेक्स कपल होते हैं, उनको मान्यता दी गई है, उनको शादी की कानूनी मान्यता दी गई है। और इसमें जो डेनमार्क जो एक कंट्री है उसने पहली बार इस तरह का जजमेंट पास किया। उन्होंने पहली बार यह जो कानूनी मान्यता है अपने कंट्री में ऐसे कपल को दी है। तो अभी कहने का यही है कि जो इंडिया में है, इंडिया में अभी हाल फिलहाल ऐसी कोई कानूनी मान्यता इनकी शादी को नहीं मिली है, लेकिन इस वजह से काफ़ी होता है ना कि ये जो कपल है इनको काफ़ी सारी चीज़ों का सामना करना होता है, इनकी फैमिली को काफ़ी सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो जो नेक्स्ट जो मेरा डायरेक्शन मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वह यही है कि इनकी फैमिली को भी किसी भी प्रकार से प्रताड़ित ना किया जाए, इनकी फैमिली को किसी भी प्रकार से एक दिक्कत ना हो, इसका पूरा पूरा प्रोटेक्शन इनको मिले, यह भी जो है स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को सुनिश्चित करना है। तो समलैंगिक विवाहों को जो है कानूनी मान्यता अभी हाल फिलहाल नहीं है, और इसके पीछे का रीजन जो है, पॉइंट जो है वह यही है कि संसद को यह फॉरवर्ड हो गई है ये चीज़ें कि आप पहले जो है इस पर विचार विमर्श कीजिए, इस पर एक्ट बनाइए, और उसके बाद ही हम जो है सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल अंदाजी करेगा। टिल देन सुप्रीम कोर्ट कोई भी किसी प्रकार की दखल अंदाजी इस मैटर में नहीं करेगा, यह जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ चुका है। तो समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये काफ़ी टाइम से एक मुद्दा बना हुआ था, चर्चा का विषय बना हुआ था, और इस पर जो है जजमेंट अभी आ गया है। तो आशा करती हूँ कि मैंने जो यहाँ पे ये शेयरिंग करी है, कुछ 10-12 मिनट का मैंने एक जो वीडियो बनाया है, एक 300 से प्लस एक जो जजमेंट है उसको छोटे से करके, कुछ एक पॉइंट्स को जो हाईलाइट करके मैंने ये वीडियो बनाया है। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और एक छोटी सी मैंने कोशिश करी है। अगर आपको मेरा एक यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको लॉ से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, वैकेंसी के वीडियो यहाँ पे मिलते हैं, अपडेट्स यहाँ पे मिलते हैं, साथ ही सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जो जजमेंट्स होते हैं, हाई कोर्ट के जजमेंट्स होते हैं, वह सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो आप यहाँ पे प्लीज़ अपने जो ये चैनल आप इस वक्त आप देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।